नमस्कार, स्वागत है भमतो एजुकेशन के इस चैरिटेबल प्रोग्राम में। तो ये मेरा बिहार स्पेशल का सीरीज चल रहा है, आगामी 65वीं बीपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बिहार के जो वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क जैविक उद्यान के बारे में एक डिटेल एनालिसिस किए थे। आगे बढ़ते हुए आज हम बिहार में खनिज संसाधन के बारे में एक डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ, ये देखिए बिहार का मैप है, जैसे तैसे मैं बना पाता हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी खनिज पदार्थ होता है, वह खनिज पदार्थ जो है पुरानी चट्टानों में पाया जाता है। और गंगा का मैदान कैसा है? गंगेटिक प्लेन है, गंगेटिक रीजन है। तो ऑब्वियस सी बात है, बिहार का जो 400 से ज़्यादा किलोमीटर एरिया में गंगा नदी बहता है, तो ऑब्वियस सी बात है गंगा नदी बहने के कारण उत्तर के बिहार और दक्षिण के बिहार के मैदान में यहाँ पे जो है जलोढ़ मृदी, ये नॉर्थ बिहार हो गया और ये साउथ बिहार हो गया। तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा की प्रधानता पाया जाता है। लेकिन एक बात और यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब झारखंड अलग होता है बिहार से 15 नवंबर 2000 को, तो झारखंड जो कि एक पठारी इलाका है और बिहार से तकरीबन 45% लैंड लेकर के वो अलग होता है, तो उसका जो रांची वाला पठार है, फिर छोटा नागपुर वाला पठार है, हजारीबाग का जो इलाका का है, तो वो दक्षिणी बिहार के टच में होने के कारण यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कम मात्रा में ही सही पर खनिज संसाधन पाए जाते हैं। एक पॉइंट आपको याद रखना है। तो जो भी खनिज संसाधन पाया जाएगा वो बेसिकली दक्षिणी बिहार में पाए जाएंगे, जो कि झारखंड से सटे हुए ज़िले हैं। जैसा कि ये हो गया, अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर मूव करें, वेस्ट टू ईस्ट अगर हम मूव करें, तो ये कैमूर का रीजन है, यहाँ पे पाया जाता है रोहतास। जैसा कि जानते हैं कि पूरा भारत में 95% के आसपास रोहतास में ही पायराइट्स पाया जाता है, तो पायराइट्स के मामला में रिच है ये जगह। उसके बाद फिर औरंगाबाद, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, मुंगेर और भागलपुर। तो बेसिकली ये तो दक्षिणी बिहार का इलाका है, मुख्य रूप से यहीं पर खनिज संसाधन की प्रचुरताएँ होती है। इसके अलावा कुछ रीजन में सारण छपरा वाला जो इलाका है वहाँ भी कुछ खनिज पाया जाता है, और उत्तर पश्चिम के भाग में पूर्वी चंपारण का जो इलाका है वहाँ पर भी कुछ खनिज संसाधन पाया जाता है। जैसा कि अगर हम आपको यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी के कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करूँ, तो जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो वहाँ पे एक बात आपको समझ में आया होगा कि जैसे ओडिशा का रीजन हो गया, झारखंड का रीजन हो गया, और दक्षिणी भारत के आसपास का रीजन हो गया, एमपी का रीजन हो गया, तो ये क्या है? ये यहाँ पे जो पुराने पठार है, अर्थात जो एक प्रायद्वीप का भाग है भारत, प्रायद्वीप उसको कहते हैं, जो तीन ओर से जल से और एक ओर स्थल से घिरा होता है, और वो जो टापू आकार का भाग बनता है उसी को हम प्रायद्वीप करते हैं। अब मैप में इस बात को आप देखिएगा, खोजिएगा, तो उसी को खनिज संसाधन से संपन्न इलाका मानेंगे, जहाँ पर कि पुराना पठार और पहाड़ हो और जो पुराने चट्टान से निर्मित एरिया हो। क्लियर हो गया? आइए हम मुख्य रूप से जो क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछता है वो आपको दे देगा, कि जैसे 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा तो वहाँ पे पूछा था कि सीमेंट बिहार के किस स्थान से जो है पाया जाता है। तो इन सब क्वेश्चंस पूछते हैं और फ्रिक्वेंटली वे में पूछता है। जब आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही हर एक साल के क्वेश्चंस पेपर में। ये मुख्य रूप से 7-8 जिले हैं दक्षिणी बिहार के, उसी जिले को आपको याद रखना है। कुल मिलाकर के 8 जिला हैं और उसी से बीपीएससी के क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाएंगे। तो आइए लिए चलता हूं आपको बिहार की खनिज संसाधन को सैर करवाने के लिए। देखिए यहां पे एक तरफ मैं खनिज संसाधन लिखे हैं, दूसरे तरफ कहां से ये मिलता है, और तीसरे और जो हम लिखे हैं ये अपना डायग्राम बना के वहाँ पर हैं, इसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। सबसे पहले हम बात किए जाता हूँ पायराइट्स का। जैसा कि सब जानते हैं कि पायराइट्स भारत में सबसे ज़्यादा बिहार में पाया जाता है, और वो इलाका है रोहतास का। अब दक्षिणी बिहार के मैप देखिएगा तो सबसे पहले पश्चिमी भाग में कैमूर होएगा, उसके बाद जस्ट रोहतास आता है। मैप आप लोग ज़रूर अपने सामने रखिएगा, ये हम कुछ ड्रॉ कर पाए हैं। तो ये रोहतास का इलाका है, यहाँ पे पायराइट्स पाया जाता है, और यह उर्वरक के उद्योग में इसका बखूबी इस्तेमाल किया जाता है, उर्वरक बनाने के लिए।
इसके अलावा जब हम चूना पत्थर की बात लेते हैं, दूसरा खनिज संसाधन चूना पत्थर, चूना पत्थर भी मुख्य रूप से रोहतास और कैमूर, ये जो रोहतास और कैमूर वाला इलाका है आपका, ये यहीं पर मेनली जो है चूना पत्थर पाया जाता है, जिसका की उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। देखिए मैं यहाँ पे बात बता दूँ, डालमिया नगर जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है, तो ये ना रोहतास वाला भाग में है, रोहतास का इलाका है, वहाँ पे क्या होता है तो वहाँ पे चूना पत्थर भरपूर मात्रा में मिल जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि चूना पत्थर से ही सीमेंट का निर्माण होता है, तो इस आधार पर वहाँ पर उद्योग स्थापित हो पाता है। अगला हम लेते हैं खनिज संसाधन अभ्रक। अभ्रक जो है ये नवादा और गया, जस्ट यहाँ पे देखिएगा औरंगाबाद के सटा हुआ जिला है नवादा और उसके सटा हुआ जिला है गया, दो दो के सीरीज में आप याद रख सकते हैं, कैमूर और रोहतास, फिर गया और नवादा। तो यहाँ पे नवादा और गया में विद्युत उपकरण के उपयोग बनाने में जो है अभ्रक का बखूबी उपयोग किया जाता है, और ये बिहार में दो स्थान पर गया और नवादा में पाया जाता है। चलिए अगली हम लेते हैं खनिज संसाधन सोना। तो सोना जमुई में पाया जाता है, ये भी दक्षिणी बिहार का ही हिस्सा है, जमुई बांका और नवादा के बीच में है, मुंगेर के नीचे जमुई है। तो आप इसको याद रखिएगा, एक ट्रिक है सोना जी, सोना जी, तो याद रखिएगा जैसे जमुई, तो आप सोना जी को याद रखिएगा, जमुई में पाया जाता है सोना। देखिए सोना और भी बिहार के कई इलाकों में पाया जाता है, जो मुख्य केंद्रित जगह है वो जमुई जिला है, डैश वे आपको याद रखना है एज ए मेजर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। चलिए बॉक्साइट का हम बात किया जाता हूँ खनिज संसाधन नेक्स्ट, ये पाया जाता है मुंगेर में, और ये जो खड़गपुर की पहाड़ी है ना, खड़गपुर की पहाड़ी, तो खड़गपुर के पहाड़ी पर ही यह बॉक्साइट पाया जाता है, और यह एल्युमिनियम का अयस्क है, दसवीं क्लास में नाइन्थ क्लास से ये सब चीज़ पढ़ते हैं, जो वहाँ पे भारती भवन का किताब आता है बिहार में, तो ये सब पता है, याद रखना है कि ये मुंगेर की खड़गपुर की पहाड़ी से मिलती है। उसके बाद हम क्वार्टजाइट का बात करते हैं, तो यह भी मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ी से ही मिलती है, और यह भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक में है बॉक्साइड ईड ईड, और इसमें है ईंट, तो ईंट से घर बनाया जाता है, तो ईंट को याद रखिएगा कि भवन निर्माण सामग्री में इसका उपयोग किया जाएगा, और ईंट ईंट जो है एल्युमिनियम का एस्क है, तो आप इसको ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगला संसाधन खनिज का, चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी मुख्य रूप से भागलपुर और मुंगेर, ये वाला देखिए ये बांका के जस्ट ऊपर है भागलपुर, और भागलपुर के जस्ट आप देखिएगा बायां साइड यानी पश्चिमी भाग में, तो वो मुंगेर का इलाका है, और यहीं पर जो है आपका चीनी मिट्टी पाया जाता है, जैसे कहते हैं ना बिहार में बोलता है चीनी मिट्टी का बर्तन, चिनिया बर्तन, तो ये सब वहीं पाया जाता है, बनाया जाता है चीनी मिट्टी से बर्तन बनाया जाता है, और बिजली के उपकरण में खास करके जो करंट का फ्लो होता है उसको रोकने के लिए वहाँ पे बीच में दिया जाता है, जिससे करंट का इनफ्लो ना हो पाए, तो ये बिजली उपकरण एज वेल एज बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला बात हम अगर सोना सोरा का करें, देखिए ये सोरा, ये जो सोरा है ना इसको बारूद भी बोलते हैं, चूँकि बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं जब अंग्रेजों का एक्सपेंशन हुआ था बंगाल के रास्ते, और इसके अलावा फिर डच आया गंगा नदी के किनारे, तो जो ये पटना कॉलेज देखते हैं वो डच स्थापत्य ही है, और डच ही उसको बनाया है। पटना कॉलेज में इसीलिए जिक्र बार बार कर रहा हूँ क्योंकि पटना कॉलेज जो है वो सब जानता है, बिहार का सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, तो वो डच स्थापत्य है, और वो एक गोडाउन था, ठीक ना। तो क्या होता है जब टेरिटरी को एक्सपेंशन करना होता है, चाहे वो अंग्रेज करे, चाहे वो डच करे, चाहे वो फ्रांसीसी करे, कोई भी करे, तो मुख्य रूप से हमको यहाँ पे डच और अंग्रेज के बारे में जिक्र करना है। तो डच भी और अंग्रेज भी क्या किया, तो बिहार में वो इलाका बेगूसराय हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सारण छपरा का इलाका हो गया, तो यहाँ पे भरपूर मात्रा में सोरा पाया जाता था, तो उस सोरा का उपयोग अपने गोला बारूद बनाने में,
तोप में उसका उपयोग किया जाता था ना, तो उस तोप को संचालन करने के लिए, गोला बारूद बनाने के लिए इसको बहुत वहाँ पे क्या किया था, प्रश्रय दिया था, और इसका इन्हेंसमेंट करने पे वो लोग तुला हुआ था। यही कारण है कि यह उद्योग यहाँ पे फल फूल गया, बिकॉज कोई भी उद्योग को फलने फूलने के लिए जो है वो पर्यटन कॉस्ट कम कर, सॉरी पर्यटन नहीं, वो माल ढुलाई का कॉस्ट कम पड़े, खनिज संसाधन अवेलेबिलिटी हो, मजदूर वहाँ पे हो, और कॉस्ट खास करके पूंजी हो, तो पूंजी को उस सब कोई कमी था नहीं, खनिज संसाधन मिल ही गया था, और जहाँ पे जो खनिज संसाधन पाया जाता है वही आधारित उद्योग वहाँ पे स्थापित किया जाए तो वो ज़्यादा मुनाफा देता है। तो अपने टेरिटोरियल कंसर्न को आगे ले जाने के लिए ये लोग जो है यहाँ पे सोरा का, खास करके बारूद का भरपूर रूप से जो है उद्योग स्थापित करता है। और फाइनली देखते हैं क्या होता है, इतिहास का सब्जेक्ट है तो यहाँ पे याद रखना है कि सोरा और बारूद, खास करके बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सारण जिला में जो है पाया जाता है। जैसा कि बार बार जिक्र करता हूँ, विस्फोटक पदार्थ अर्थात विस्फोट उद्योग में बनाने में इसका काम किया, उपयोग किया जाता है, और उर्वरक के उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है सोरा का। चलिए अगला हम बात करते हैं यूरेनियम का, और यूरेनियम गया में पाया जाता है। देखिए गया एक वीरान इलाका है, और कह सकते हैं कि गया जो है वो पुरानी पठार का भाग है, तो ऑब्वियस सी बात है यूरेनियम सब पुरानी पठार में ही पाया जाता है, दक्षिणी भारत में भी ऐसे ही पाया जाता है, वीरान इलाका में जो कर्नाटक का इलाका है वहाँ पे मोनाजाइट बालू में पाया जाता है यूरेनियम, और गया में भी पाया जाता है। यहाँ पे एक याद करने के लिए रख दूँ कि गया में कुछ मात्रा में टीन भी पाया जाता है, टीन भी पाया जाता है गया में, तो आपको याद रखना है यहाँ पे। और मुख्य रूप से इसका ऊर्जा संसाधन में जो है बखूबी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा खनिज तेल की बात करूँ तो ये मुंगेर और रोहतास में एक ही जगह पर, ये हो गया रोहतास और ये हो गया मुंगेर, तो ये पॉकेट्स में कुछ मात्रा में यहाँ पे खनिज तेल पाए जाते हैं जिसका उपयोग हम बखूबी ऊर्जा के रूप में करते हैं। इसके अलावा डोलामाइट है, गंधक है, तो ये रोहतास में पाया जाता है। तो ओवरऑल हम कंक्लूड कर लें अपनी बात को, तो एक निष्कर्ष निकलता है कि रोहतास सबसे ज़्यादा जो है खनिज संसाधन से संपन्न क्षेत्र है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट निकल के क्या आता है, क्वेश्चन में आपको दे देगा, तो जितने भी खनिज संसाधन होंगे वो दक्षिणी बिहार में पाए जाएंगे, याद रखना है। उसके अलावा हमको यह याद रखना है कि बिहार में, यहाँ पे एक बात बताते चलूँ आपको कि बिहार में देखिए केवल और केवल जो है वो, सॉरी, झारखंड में 95% से 97% है सारा जो खनिज संसाधन था वो अलग होने के बाद चला गया, और बिहार में कितना बचा, बिहार में केवल 3 से 4% के आसपास जो है ये खनिज संसाधन बचा था, खनिज संसाधन, और ये झारखंड में चला गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमको क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन दे देगा कि क्या कारण है कि बिहार में उद्योग इतना फल फूल नहीं रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम यही सब बात वहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे खनिज संसाधन की जो अवेलेबिलिटी है वो कंपेरिजन टू अदर स्टेट कम है, पहला कारण देंगे। दूसरा कारण देंगे, अगर हम कहीं पे उद्योग स्थापित करते हैं तो हमको कॉस्ट कटिंग करना होता है, तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए हमको माल ढुलाई करना पड़ेगा दूसरे जगह से, तो वो हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो एक कारण वो भी वहाँ पे होएगा। इसके अलावा और जो अलग कारण देंगे तो सरकार की जो कह सकते हैं एक इच्छा शक्ति, वो इच्छा शक्ति भी यहाँ पे कम है, कम बलवती दिख रही है, तो वो भी एक जो है यहाँ पे कारण में होगा। तो कुल मिला के अपनी तरह से इन सभी बातों को देना है। इसके अलावा एक कारण और दे सकते हैं कि बिहार में नदियों का जाल है, और जैसे ही नदी उफान पे आता है, जैसे अभी दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, कटिहार, इस सब इलाका में देखिएगा तो कोसी नदी का कहर है, कहर बरपा रही है, तो क्या अगर कोई लगाएगा भी उत्तर बिहार में, एक तो मैदानी इलाका है, कोसी नदी आकर के दहा के बहा करके लेके चली जाएगी, तो इन सब बातों को आपको लिखना है। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूं, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं एक नेक्स्ट हॉट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।